सो मेरे साथ कुछ ट्रैवलर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये फैसिलिटी कितनी अच्छी है उनके लिए और विद इन फ्यू मिनट्स वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि कब से आप इस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं और कहाँ से बैठते हैं, रूटीन में ट्रैवल करते हैं और कितनी जल्दी पहुँचते हैं? ऑब्वियसली ये मेरा डेली रूटीन का काम है, मैं रोज़ इस मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ और ये काफ़ी फैसिलिटी है इसमें, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेट्रोल के जो प्राइसेज हैं वो काफ़ी हाई हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगती है। सही। बिकॉज 40 रुपीज़ आपने देने होते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन दान तक, तो दैट्स वेरी गुड। और इसकी कुछ क्लीनलीनेस और जो यहाँ पे इतना बेहतरीन एनवायरनमेंट है इसके बारे में भी बताइए। यस, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट के पाकिस्तान में इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये और भी शहरों में चलने चाहिए, ताकि लोग जो हमारी गरीब आवाम है उनको भी ये फैसिलिटेट हो सके दूसरे शहरों में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ हैं उन लोगों के लिए जो कि बहुत क्विकली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, इस ट्रेन में हमें सीनियर सिटीजन भी नज़र आ रहे हैं और बाकायदा उनके बैठने के लिए अलग बेंच मौजूद है, सो उनसे भी बात करते हैं कि उनको ये ट्रेवल फैसिलिटी कैसी लगी। जी बताइएगा कैसा है ये सब। लेकिन जी ये जो चीज़ें हैं ना ये तो बहुत ज़रूरी थी, मैं तो समझता हूँ कि डेट इज़ गुड फॉर ऑल सिटीजन। सही, सीनियर सिटीजन की तो है ही है, स्पेशली लेडीज़ के लिए ये बहुत अच्छी सर्विस है जो कि होनी चाहिए थी, अभी रिसेंटली किसी ने कोशिश की है, डेट इज़ गुड। सही, और क्योंकि ये सेफ भी है तो इसलिए आप समझते हैं कि यहाँ पे सफ़र करना आसान है, आरामदेह भी है। सेफ भी है, आरामदेह भी है और टाइम कंज्यूम मतलब टाइम मतलब वो सेवर भी है। जी ये बड़ा इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं जहाँ से सफ़र कर रहा हूँ अगर मैं वहाँ से रिक्शे पर या किसी और चीज़ पर सफ़र करूँ दैट इज शुड टेक 45 to 50 minutes। ऐसा ही ये जो चीज़ है मैं तो आई थिंक सो कि विद इन 20 मिनट्स आई विल बी यहाँ पे जाना वहाँ पे। बिल्कुल, ये तो एक्चुअली मुझे बड़ा मज़ा आया इस पर ट्रैवल करके, क्योंकि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि हम विद इन मिनट्स जो हैं वो एक से एक स्टेशन पर पहुँचते हैं, यहाँ तक कि लोगों से बात करना मुश्किल हो गया बिकॉज इमीजिएटली हम नेक्स्ट स्टेशन पर होते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उन लोग स्पेशली जो लोग अपना वक्त बचाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और मुझे तो इस पर ट्रैवल करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि ट्रस्ट मी अगर हम ये ट्रैवल गाड़ी पर कर रहे होते तो एटलीस्ट हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता। अच्छा, हम रिपीटेडली बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रेवल है ये सेफ बहुत है स्पेशली खवातीन के लिए, सो क्या ये एक्चुअली सेफ है? हमें हमारी खवातीन ही बताएंगी जो कि इसमें यूजुअली ट्रेवल करती हैं और उनके लिए कितना बेनिफिशियल है उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा कैसा है ये ट्रेवल खवातीन के लिए स्पेशली, क्योंकि हम हमेशा हम ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सेफ है, मैंने खुद इस पर ट्रेवल करके देखा और ट्रस्ट में मुझे बहुत मज़ा आया, तो बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट, एसी है, सेफ है। आप क्योंकि इसमें रूटीन में ट्रेवल करती हैं तो बताइए आपको कैसी लगी है? बिल्कुल आपने जो कहा है उससे ज़्यादा अच्छा है, ये बेहतर है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए हम लोग बहुत आसानी से यहाँ का स्टाफ जो बाहर स्टाफ होता है जो इधर है और लोग भी बहुत कोऑपरेट करते हैं और बहुत ईजी बहुत कम पैसों में। अच्छा ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाकई दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज के दौर में इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रेवलिंग पे पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। नीट और क्लीन और सेफ्टी सब कुछ है इसमें, बहुत अच्छा है, इस तरह के प्रोजेक्ट करने चाहिए। और मैं ये भी बताऊँगी कि जो आपका चैनल है डिस्कवर पाकिस्तान वो हम बहुत देखते हैं, लड़ाई झगड़े ये वो सारा उससे हट के वो सारा कुछ पाकिस्तान के मुताबिक बताते हैं। बहुत जब वो टीवी ऑन करते हैं तो हमारा यही दिल करता है कि हम डिस्कवर पाकिस्तान देखें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आप लोग देखते हैं ना। थैंक यू सो मच, ये आप लोगों का प्यार है, हमारे पाकिस्तान के मुतालिक मालूमात होती हैं और इतनी प्यारी प्यारी जगह आप लोग दिखाते हैं और बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, हमें आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगता है डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से, जब भी हमें इतना पॉजिटिव फीडबैक मिलता है सो ट्रस्ट मी हमारे जो मेहनत होती है उसके पैसे वसूल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो अब अपनी यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद घर जा रहे हैं। सो कुछ स्टूडेंट्स से जानते हैं कि ये ट्रैवल उनके लिए कितना सेफ और कितना इकोनॉमिकल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका?
तो इस ट्रेवल के बारे में बताइए, आप लोग तो रोज इस पर ट्रेवल करते होंगे बिकॉज आप लोग स्टूडेंट्स हैं, सो कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत इकोनॉमिकल है और ईजी है सफ़र करना, सेपरेट है लेडीज़ के लिए सेपरेट है, जेंट्स के लिए सेपरेट है, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट कन्वीनियंट है। आप क्या कहेंगी? जी बहुत ज़बरदस्त है, ये डिसिप्लिन बेस्ट है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, थैंक यू। अच्छा है, हाँ जी, सफर करने में बहुत ज़्यादा इजी है, हाँ सफर करने में बहुत कंफर्टेबल है बंदा, ठीक हाँ। और इससे ज़्यादा अच्छा क्या है? इससे ज़्यादा अच्छा है कि इकोनॉमिकल आप? इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि सेपरेशन है लेडीज की और जेंट्स की, सेपरेशन है और बंदा कंफर्टेबल है। बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये कंफर्टेबल हो, सेफ हो, तो ये सेफ्टी और कंफर्ट दोनों यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को मिल रहा है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ पे ट्रेवल करती हैं, हमें नज़र आ रही हैं, रश भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये इत्माद है लोगों का जो इस सर्विस के ऊपर है कि वो यहाँ पर बहुत आसानी से ट्रेवल कर रहे हैं। Thank you.